कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड, आज उन्होंने 10 विकेटों से इंडिया को शिकस्त दे दी और सेकेंड सेमीफाइनल में अब इंग्लैंड का जो है वो पता चल गया, और उधर से पाकिस्तान का फर्स्ट सेमीफाइनल जीत गया। तो फिर 92 वर्ल्ड कप में जो वही आज 2022 में होने जो वाला है अब मेलबर्न में, और अब जो है ये 23 ये नवंबर को जो है ये पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, और देखते हैं कौन जीतते। वही लग रहा है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, अब पाकिस्तान और इंग्लैंड है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक चीज़ है। और आज इंडिया की कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लगी, इंडिया की बड़ी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, और हम तो चाह रहे थे पाकिस्तान में और दूसरी जगह भी कि सारे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था वो यही था कि हिस्ट्री रिपीट होगी और इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल होगा, वैसे ही होगा जैसे 92 वर्ल्ड कप में हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है यही फाइनल जीते, और इस तरह से जो है हमारा पाकिस्तान और इंग्लैंड, बल्कि दोनों ही बहुत अच्छी टीम है, दोनों ने आखिर में जिस तरह कर पाकिस्तान ने वैसे बैटिंग की और आज जैसे इंग्लैंड ने बैटिंग की, दोनों ही एक दूसरे के बराबर की टीमें लग रही हैं, दोनों ने 100-100 से पार्टनरशिप से ऊपर किया है, और फिर ही जाके पाकिस्तान की कोई ब्रेक उसके बाद होगी, इंग्लैंड की तो वो भी नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा पड़ला जो है इस वक्त इंग्लैंड का भारी लग रहा है बनिस्बत पाकिस्तान के, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगर पाकिस्तान अच्छा खेले तो वो इंग्लैंड को फाइनल में मेलबर्न में जो है ये शिकस्त दे सकता है। तो गुड लक टू सारे जो 80-20 वर्ल्ड कप फाइनल, और हमारी विश है कि पाकिस्तान जीते और 92 वर्ल्ड कप की तरह जो है पाकिस्तान 2022 का भी वर्ल्ड कप टीम, लेकिन वो ये T20 है और वो 50 ओवर्स मैच से ये फर्क था, लेकिन सिनेरियो बिल्कुल सेम हुआ है। तो बेस्ट विशेज और बहुत सा प्यार और लव और दुख इंडिया वालों को की तरफ से कि जो उनकी उनको हार मिली है, लेकिन मिलनी तो नहीं चाहिए थी, हम तो चाहते थे कि ये एक और एंटरटेनिंग हो जाता, लेकिन वेरी नाइस। और पाकिस्तान जिंदाबाद, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस, बाय।